मैंने गंगा स्नान के मेले पर गंगा स्नान करने वाले किसानों के ऊपर पुष्प वर्षा की थी हेलीकॉप्टर। उसी टाइम मैंने ऐलान कर दिया था कि आगे आने वाली ईद पर चांदपुर ईदगाह पर जब नमाज पढ़ने के लिए आएंगे मुसलमान भाई, हेलीकॉप्टर से मैं पुष्प वर्षा करूँगा उनके ऊपर, उनके सम्मान में, उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में, उनके वंदन में, क्योंकि ये रमजान का महीना बहुत पवित्र महीना मानते हैं मुसलमान भाई। और ईद तो जो बहुत जैसे होली और दिवाली का त्यौहार है हिंदुओं का, ऐसा ही पवित्र त्यौहार जो है ईद का होता है। इसलिए हमने नारा दिया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। उस नारे को सार्थक करने के लिए मैंने विचार बनाया है कि ईद के ऊपर जब ईद होगी ईदगाह चांदपुर, क्योंकि क्षेत्र के सभी मुसलमान भाई वहाँ पर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पर, वहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करूँगा, 2 क्विंटल फूलों से जो है पुष्प वर्षा कर से मैं उनका सम्मान करूँगा, उनका स्वागत करूँगा, उनका अभिनंदन करूँगा, उनका वंदन करूँगा। इससे हमारे जिले में जो है सांप्रदायिक सौहार्द की भावना जो है पैदा होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरा जिला जो है बहुत शांति प्रिय जिला बने, यहाँ पर किसी भी प्रकार का झगड़ा आपस में ना हो, सब जो है मिलजुल करके रहें और सब जो है मिलजुल करके रह करके जिले का विकास की सोचें जो है, इसमें विकास करें हम जो है, और ऐसा जिला बने कि पूरे प्रदेश में जो है बिजनौर से अच्छा जिला ना रहे कोई भी। हमने ये पत्र जो है माननीय जिला अधिकारी के कार्यालय में दे दिया है स्वीकृति के लिए, हम इसको स्वीकृत ले करवाएंगे और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे। ये हमारी योजना है, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके रहें, प्यार से रहें, प्यार ही जो है सबसे बड़ी चीज है दुनिया में, यही साथ जाता है। धन्यवाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।